नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। सावन का महीना शुरू हो चुका है। लोग भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, उनके विधिवत पूजा करते हैं। लोग सावन सोमवार का भी व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखते हैं। पूजा के दौरान भोलेनाथ की प्रिय चीजें जैसे की बेलपत्र, भांग, गंगा जल, दूध, चंदन, भस्म आदि भगवान शिव को अर्पित करते हैं। हालांकि सावन में भगवान शिव की पूजा के दौरान महिलाएं जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जाने सावन सोमवार व्रत पूजा या सावन माह में भगवान शिव की पूजा के दौरान होने वाली गलतियां कौन सी हैं। शिवलिंग पूजा के समय शिवलिंग पर कभी भी हल्दी न लगाएं, क्योंकि इससे शिवजी नाराज होते हैं और शिवजी की नाराजगी से भक्तों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान महिलाओं को भूल कर भी शिवलिंग पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं द्वारा शिवलिंग को हाथ लगाने से माता पार्वती नाराज होती है। इसके अलावा यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो भूल कर भी काले रंग का कपड़ा ना पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में हरे रंग का कपड़ा पहनना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा सावन के महीने में किसी को भी बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, प्याज, मांस या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन के बजाय सात्विक खाना खाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।